लोकसभा के हमारे अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी, मंत्रिपरिषद में मेरे सहयोगी डॉक्टर भागवत कराड़ जी, लोकसभा में मेरे साथी सांसद इम्तियाज जलाल जी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय हरिभाऊ जी बागड़े, हमारे विधायक प्रशांत जी बम, हमारे महाराष्ट्र के मंत्री अतुल जी सावे, महाराष्ट्र के बीजेपी के महामंत्री संजय जी केनेकर और हमारे अध्यक्ष श्री जी बोराळकर, मंच पर उपस्थित हमारे सभी साथीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित भाई और बहनों, बिरला जी ने ध्यान से हमारी तरफ अगर देखा होगा तो हमारी हिंदी भाषा ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश जैसी नहीं है। डॉक्टर कराड़ जी का भाषण आपने सुना, सावे जी का सुना, हमारे पे प्रभाव है हैदराबादी हिंदी का, क्योंकि आपको स्वातंत्र मिला 1947 में, हमको 1947 में स्वतंत्र नहीं मिला, हमको मिला 17 सितंबर 1948 में, एक साल दो दिन के बाद मिला। तब तक हमारा झंडा भी अलग था, करेंसी भी अलग थी और हमारे पे राज करने वाले भी अलग थे, इसलिए हमारी हिंदी पे पकड़ा है हैदराबादी हिंदी का। तो मुझे लगता है कि आप समझते होंगे कि हमारी हिंदी कैसी है, लोकसभा में भी आप देखते हैं। तो सबसे पहले मैं संभाजीनगर शहर के सभी आपका आभारी हूँ कि बिरला जी आपके कारण आज अपने शहर में आए। लोकसभा के अध्यक्ष पब्लिकली बहुत जाते नहीं, लेकिन आज बिरला जी आए क्योंकि मैं 6 लोकसभा के अध्यक्ष देख चुका हूँ जलील साहब। छः लोकसभा के अध्यक्ष मैंने देखा, लेकिन छत्रपति संभाजीनगर में कोई अध्यक्ष हम नहीं ला सके, और अपना सौभाग्य है कि आज उनके सामने अपने शहर का परिचय देने का आज अपने को मौका मिला। मुझे ऐसा लगता है कि इस बहाने हमारे शहर का परिचय भी आपको हुआ कि यहाँ पोटेंशियल क्या है, क्या करने की ज़रूरत है और यहाँ के लोगों की मांग क्या है। वैसे तो हमारे जलील साहब लोकसभा में छत्रपति संभाजी नगर के बारे में तो हमेशा क्वेश्चन पूछते ही हैं, लेकिन वो औरंगाबाद करके पूछते हैं, इसलिए ज़रा मुश्किल होता है। अगर आज आप आज से तय करो कि आने वाले अधिवेशन में मैं छत्रपति संभाजी नगर का क्वेश्चन अध्यक्ष महाराज पूछ रहा हूँ, ऐसा जिस दिन बोलेंगे आपकी सब मांगे मंजूर हो जाएंगे, ये ध्यान में रखना। क्योंकि मांग मांगते समय भी थोड़ा शहर का माहौल क्या है, जन भावना क्या है, इनको ध्यान में रखना पड़ता, वही बात करना पड़ती है। अब हम छत्रपति संभाजी नगर बोलेंगे ना, आप अकेला बोलेंगे कि अब औरंगाबाद को बीबी का मुकबरा देखने के लिए तो कौन आएगा, मुझे बता। तो आपने बताया कि सभी शहर जो है सही में भी एक औद्योगिक दृष्टिया बहुत ही अच्छा शहर है, DMIC यहाँ पर है और बगल में जालना भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिन के बाद जालना और संभाजीनगर ये 2-in-1 सिटी हो जाएगा,
क्योंकि DMIC और ड्राईपोर्ट में कोई ज़्यादा अंतर नहीं, 30-32 किलोमीटर का अंतर है। और आप देखेंगे तो देखेंगे कि कुछ दिन पहले चिकलठाना और संभाजीनगर, ये इसमें भी बहुत बड़ा अंतर था, लेकिन अभी जो प्रगति हो रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों शहर एक होने के बाद और यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, बाकी इंडस्ट्री आ रही है, उसके बाद ये शहर महाराष्ट्र में ठाणे, पुणे, मुंबई और नासिक के बाद संभाजीनगर हो सकता है, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि अजंठा, एलोरा, ये वर्ल्ड हेरिटेज अपने पास है, आने जाने वाले भी लोग हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के बारे में भी विषय हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी अभी ये महीना भर में तो अपनी कम हो गई, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम मंत्री जी से भी जाके मिले, कनेक्टिविटी बढ़ी। लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब ने रेल के बारे में भी बोला है, साहब मैं 25 साल से MP हूँ और 10 साल मैं MLA था, 35 साल हो गए, तो 35 साल से क्या मांगे हम मांग रहे, इसका ध्यान सब ने रखने की ज़रूरत है। हमारी मांग क्या थी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए, मनमार से लेकर तर सिकंदराबाद तक इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए, मनमार से लेकर तो डबलीकरण होना चाहिए, हमारे यहाँ पिट लाइन होना चाहिए, ये हमारी पुरानी मांगे। मैंने 35 साल क्यों गिने, तो हमने मोर्चे निकाले, आंदोलन किए, अनशन किए, लेकिन हमसे नहीं हो सके। लेकिन इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बनने के बाद जो कई ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, उसके तरफ भी ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। और अपने एरिया के लिए अगर बोलेंगे तो अभी मनमार से लेकर तो संभाजीनगर तक जो दोहरीकरण है, ये सबसे पहली मांग थी अपनी, ये तो आज आने लगी कि संभाजीनगर से नगर तक जोड़ दो, लेकिन ये हमारी पुरानी मांग थी। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि रेलवे बोर्ड को 1,000 करोड़ रुपए तक के सैंक्शन देने का अधिकार है, ना तो नीति आयोग के पास जाता, ना तो कैबिनेट के सामने जाता, लेकिन हमने जब पहले बार इस्टीमेट बनाया तो 1,200 करोड़ हो रहा था, हमने थोड़ा इधर उधर करके उसको 950 करोड़ तक ला लिया। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि ये साल में हम दोहरीकरण सैंक्शन करके काम की भी शुरुआत करेंगे। आपने कभी नहीं मांगा था कि स्टेशन, मोदी जी के सरकार में 1,250 नए स्टेशन हम अपग्रेडेशन करने जा रहे हैं। और उसमें से आप देखेंगे बंगलोर अगर कहीं गए, आपको जाने का मौका इस बार नहीं मिला क्योंकि चुनाव था और आपने वहाँ कोई खड़ा नहीं किया, हम गए थे, यह हमारे लिए नुकसानदायी है, हम गए थे। मैंने जो पहली बार देखा तो बेंगलोर का स्टेशन एक बार जाकर देख के आओ, भोपाल का स्टेशन देखो कैसा हुआ, तो तुम गांधीनगर का रेलवे स्टेशन देखो, ये तीन हुए। और बॉम्बे सेंट्रल का भी अभी टेंडर निकला है और उसके साथ साथ मराठवाड़ा में दो निकले, एक निकला है छत्रपति संभाजीनगर का और दूसरा निकला है जालना का, दो निकला है, यहाँ पर 250 करोड़ और जालना में 225 करोड़ के, और टेंडर हो चुके हैं, हो सकता है जुलाई में उसकी वर्क ऑर्डर भी मिलेगी। और पिट लाइन की मांग थी आपकी, जालना में पिट लाइन जुलाई को अभी पूरी हो जाएंगी और आपका भी काम शुरू हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि रेल के बारे में आपने चिंता करने की ज़रूरत नहीं, चिंता इस बात की करो कि ये संभाजीनगर शहर वालों को और दूसरी सुविधा कैसी मिलेगी। क्योंकि मैं बैठा हूँ और हमारे नेता बैठे ऊपर, मोदी जी, रेल का बजट कितना, 2009 तक रेल का बजट था महाराष्ट्र का 1100 करोड़ रुपये, 1100 करोड़ केवल, और आज के तारीख में 12,000 करोड़ महाराष्ट्र के लिए दिए गए। तो टप्पे टप्पे से काम होते रहेगा। डॉक्टर कराड़ साहब बैठे, उनकी भी यही मांग है कि संभाजीनगर से नगर तक लेके जाओ, वो तो पुणे तक की बात करते, तुम तो खाली नगर तक की बात करो, वो तो पुणे तक बात करते। उनकी दूसरी भी डिमांड है, संभाजीनगर से 40 गाँव लेके चलो, संभाजीनगर तक इधर से लेके चलो, रेल मंत्री मैं मांगे ये मांग रहे, आप कमाल जो गए। तो मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब और इम्तियाज़ जलील साहब, तुम चिंता मत करो, हमारे देश के प्रधानमंत्री का ध्यान पूरी तरह से रेल डिपार्टमेंट पे है। वंदे भारत ट्रेन, 400 ट्रेन वंदे भारत अपन शुरू करने वाले हैं और उसमें से 120 ट्रेन अपने लातूर डिपो में कर रहे। मैं 4 दिन पहले जाके आया, 120 ट्रेन 400 में से
अपने मराठवाड़ा में हो रहा है और हर हफ्ते को एक ट्रेन बाहर निकल रही है, 400 ट्रेन शुरू होने वाली है, बुलेट ट्रेन शुरू होने वाली है, नए नए ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, तो रेल की प्रगति हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ साथ संभाजीनगर को कैसा जोड़ा जाएगा, इसकी कोशिश भी हम आने वाले दिनों में करेंगे। जालना से जलगांव का पूरा सर्वे हो चुका है, खाली कैबिनेट के पास जाने का बाकी है। नीति आयोग के पास जाके आया, फाइनेंस के पास जाके आया, तो जिन नए नए काम आए वो करेंगे। महाराष्ट्र में मोदी जी ने घोषणा की थी कि सोलापुर से तुलजापुर तक हम नई रेल लाइन बिछाएंगे, उसका भी काम हमने शुरू कर दिया है। और मैं परसों जाके आया, भू संपादन का काम वहाँ चल रहा है। पाचोरा जामनेर की नई ट्रेन आपने दी, महाराष्ट्र में 12,000 करोड़ रुपये इस साल दिए है। मुझे ऐसा लगता है कि उसके कारण अपने यहाँ काम अच्छे होने वाले आने वाले दिनों में भी। लेकिन बिरला जी के सामने हमने जो विषय आज की तारीख में रखे, मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़े होने के नाते वो इस विषय पे ध्यान देंगे। और जब जब भी लोकसभा में संभाजीनगर के बारे में, मराठवाड़ा के बारे में और महाराष्ट्र के बारे में विषय आता है, तो हमें हमारे अध्यक्ष जी से बराबर न्याय मिलता है। इतना ही मैं आपको बोलता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ।